अरे रुको, दिखाओ तो। वाह भाई, बड़ी प्यारी लग रही हो। अच्छा जल्दी अंदर जाओ, तुम्हें लोग देखने के लिए और तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। जाओ जाओ। ये क्या हो रहा है? ये होने वाले दामाद की खातिर मदारत हो रही है। लो भाई, आ गई हमारी सितारा। माजिद भाई, ये सितारा है। सलमा, ये लड़की कुछ ज्यादा छोटी नहीं है? माजिद भाई, छोटी कहाँ, वैसे भी शादी के 1-2 साल बाद लड़कियां बराबर की लगने लगती हैं। तो ये क्यों ट्रे लेके गए? तुम क्यों नहीं लेके गई? लो भाई, मैं क्यों ट्रे लेके जाऊंगी, जिसका दूल्हा है वो ही लेके जाएगा ना भाई। क्या क्या? क्या? मैं जरा एक फोन सुनकर आता हूं। आप झिझके नहीं, अब छोटी है लेकिन ऐसी मसले की बात नहीं है, बच्चे संभालेगी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही पड़ी हो जाएगी है। और वैसे भी आपको बच्चों की माँ के साथ साथ एक जवान जहान बीवी की जरूरत है। अब आप अगर किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी कर लेंगे तो वो तो आए दिन बिस्तर पे पड़ी रहेगी, आपके बच्चों की खिदमत, उनका ख्याल खाक रखेगी वो। चलें, अगर आप इजाजत दें तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं कल अपनी बहन को लेके मिठाई के साथ हाजिर हो जाऊं। मेरा मतलब है कि मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं। जी भाई, कुछ कह रहे थे आप? वो कह रहे हैं अपनी बहन को लेकर आना चाहते हैं मिठाई के साथ। हाँ, मीठा पीना है, शरबत शरबत पिए। जो जो हुक्म हो आपका, आइंदा ये गुलाम नहीं करेंगे। वाह भाई, बड़ी ताबेदारी हो रही है मंगेतर की। वैसे ऐसी मंगेतर की ताबेदारी में फायदा तो है। मैं आप जितना तो अमीर नहीं हूं सलार साहब, लेकिन फिर भी लेफ्ट ओवर नहीं पहनते। एक्सक्यूज मी, लेफ्ट ओवर? जी कासिफ। हाँ, शिकार छोड़ दें क्या? क्यों नहीं, कैसे उसके साथ चली गई? और वो तो उसे लेफ्ट ओवर कह रहा था, फिर वो कैसे? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? खैर मुझे क्या, जो भी हो। मेरा दिल कह रहा है कि मैं वहां आके तुम्हारी टाई का सर फाड़ दूं। इसकी शायद अब नौबत नहीं आएगी। वो तुम्हें उस 2 बच्चों के बुढ़े बाप के साथ रुखसत कर देगी और तुम हर बार नौबत के इंतजार में बैठे रहना। सना, मैंने कहा है ना, मैंने जुहेब को देखा है, वो बहुत गुस्से में था। वो मेरे लिए जरूर कुछ। जुहेब के आसरे पे मत बैठो, अभी जाओ और जाकर टाई को साफ मना कर दो। सना, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, रुको, बाय। सुहेब,
नहीं ताई, मैं ताया के हाँ करने से अपनी बहन की शादी उससे नहीं होने दूंगा। वो लड़का नहीं, पूरा आदमी है। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन बेटा क्या करें, करनी तो है ना, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ताई कोई मजबूरी है, मना कर दे। मुझे तो सलमा खाला की समझ नहीं आ रही, उस बुड्ढे टुड्ढे का रिश्ता रहा कैसे सकती है वो। मेरी बहन को देखा है आपने? मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे चान, ये बड़ों के मामले हैं, तुम बड़ों को तय कर लेने दो, तुम अपनी तैयारी करो। वो लोग तो एक दो रोज में निकाह का कह रहे हैं। हाँ निकाह, माना छोटा हूँ लेकिन पागनी सब समझ आ रही है, गलत हो रहा है। मैं अपनी बहन का रिश्ता उससे नहीं होने दे सकता। अरे मेरा बच्चा तुम्हें नहीं पसंद ना, लेकिन एक दफा करने वाली से तो पूछ लो। एक सेकंड, क्या सितारा से? जाहिर है उसी की जिद पर तो हो रहा है ये सब। जिद पर? हाँ हाँ जिद पर। कौन सी जिद ताई? लो भाई आ गई, आप खुद ही इससे पूछ लो। सितारा खुद ही बता दो भाई को, आजकल दिल नहीं लग रहा तुम्हारा ताई के घर, तुम्हें तो अपने पिया के देश जाने कतर। मेरा दिल नहीं लग रहा? मैंने कब कहा आपको ऐसा? अच्छा तो देखो, जब से ये हैदराबाद से आई है, तुमने नोट नहीं किया कि तुम्हारे ताया तो इससे बात ही नहीं कर रहे? और ताई आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने क्या बोलना है, खुद इससे पूछ लो कल वलीमे में क्या हुआ था। हाँ भाई क्या हुआ था बताओ। क्या हुआ सितारा? अच्छा चलो वो भी रहने दो, वो ही बता दो कि तुम्हारा हैदराबाद से वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था। हाँ बताओ, ठीक कह रही हूँ ना? वो जुहेब, क्या हो गया ताई, आप जानती तो हैं घूमने की शौकीन है, इसका मतलब ये तो नहीं। अरे घूमने की शौकीन तो है, लेकिन पहले ये तो पूछ लो छोटू कि घूमने के चक्कर में कोई और चांद तो नहीं चढ़ा दिया। ताई क्या बात कर रही हैं आप, मेरी बहन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती जिसके ऊपर उंगली उठाई जाए, फरिश्तों की तरह मासूम है ये। ताई मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा आपने आज जिस तरह इसके बारे में बात की है। अल्लाह की कसम ताई, अगर आपकी जगह कोई और होता ना, उसकी और अपनी जान एक कर लेता। वाह भाई वाह, बड़ा भरोसा है, ये तो जान लेने देने पे उतर आया। ऐसा कैसे कर सकती हैं दाई उसके साथ? अब तुम इसे खुद राजी करोगी या मैं बुलाऊं तुम्हारी फुप्पो को और वो बताएं इसको तुम्हारे तमाशे मिर्च मसाला लगा लगा कर। मेरा भाई मेरे साथ है, आपको जिसे बुलाना है आप बुलाइए और जिससे जो कहलवाना है कहलवा दीजिए। तो तुम उससे बात नहीं करोगी? नहीं ना, मैं इससे बात करूंगी और ना मैं उससे शादी करूंगी।